चेरी की गिनती चुनिंदा खास फलों में होती है। चेरी का फल आकार में छोटा और गोल होता है। इनकी कई किस्में हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जाता है, एक स्वीट चेरी और दूसरा टार्ट चेरी। आमतौर पर भारत में इस्तेमाल होने वाली चेरी का स्वाद मीठा होता है, जिसे स्वीट चेरी के नाम से जाना जाता है। वहीं इसके दूसरे प्रकार टार्ट चेरी का स्वाद खट्टा होता है। वैसे तो लोग चेरी का सेवन स्वाद के लिए करते हैं, लेकिन चेरी का गुण केवल उसके स्वाद तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका सेवन कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। आइए जानते हैं शरीर के लिए चेरी के फायदों के बारे में। जहां तक सेहत की बात है, NCBI के एक शोध अनुसार चेरी का फल कई महत्वपूर्ण पोषक तत्वों और औषधीय गुणों से भरपूर है। इसमें फाइबर, पॉलीफेनॉल्स, कैरोटेनाइड्स, विटामिन सी और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों के अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी पाए जाते हैं। चेरी में मौजूद पोषक तत्व और औषधीय गुण इसे सेहत के लिए कई प्रकार से फायदेमंद बनाते हैं। चेरी खाने के कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं, जैसे चेरी का सेवन करने पर माइग्रेन से होने वाले सिरदर्द में भी लाभदायक साबित हो सकता है। एक रिसर्च के अनुसार चेरी का सेवन माइग्रेन के कारण होने वाले सिरदर्द की समस्या में काफी हद तक आराम प्रदान करता है, वजन कम करने में उपयोगी है। शरीर में अतिरिक्त चर्बी के जमा होने पर मोटापे की समस्या हो सकती है। इस समस्या में चेरी का उपयोग फायदेमंद साबित हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार चेरी में एंटी ओबेसिटी प्रभाव मौजूद होता है, जो मोटापा कम करने में मददगार हो सकता है। इसके अलावा शोध में इस बात का जिक्र भी मिलता है कि चेरी का सेवन मोटापे से जुड़ी सूजन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम को कम करने में भी मददगार हो सकता है। ग्लूकोमा आंखों में होने वाले वृद्धावस्था की सबसे आम बीमारियों में से एक है। ये बीमारियों का एक समूह है जो आंख के ऑप्टिक नर्व यानी आंखों को मस्तिष्क से जोड़ने वाली नसों को नुकसान पहुंचा सकता है, जिसके दुष्परिणाम से अंधेपन का जोखिम बढ़ सकता है। ये स्थिति आमतौर पर तब होती है जब आंखों के अंदर द्रव का दबाव धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे ऑप्टिक नर्व डैमेज हो सकती है। NCBI के एक अध्ययन में पाया गया है कि चेरी में लॉगिनिक एसिड मौजूद होता है। लॉगिनिक एसिड आंखों के अंदर द्रव के दबाव को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही इस बात की पुष्टि भी की गई है कि ग्लूकोमा की चिकित्सा में लॉगिनिक एसिड का उपयोग सहायक साबित हो सकता है। अनिद्रा यानी नींद न आने की समस्या में भी चेरी काफी प्रभावी है। शोधकर्ताओं के अनुसार चेरी का रस नींद के समय और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में प्रभावी हो सकता है। वहीं ये भी देखा गया है कि चेरी के रस में मेलाटोनिन पाया जाता है, जो नींद में सुधार का काम कर सकता है। मेलाटोनिन एक प्रकार का हार्मोन होता है, जो नींद की गुणवत्ता बढ़ाने में मदद करता है। हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स अहम भूमिका निभाते हैं। ये शरीर की कोशिकाओं को फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं। फ्री रेडिकल्स के कारण ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जिससे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह की समस्या, अल्जाइमर, पार्किंसन रोग और नेत्र रोग का जोखिम बढ़ सकता है। एक शोध में पाया गया है कि चेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा भरपूर होती है, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकता है। चेरी का उपयोग कैंसर की रोकथाम में मददगार साबित हो सकता है। दरअसल चेरी में कई प्रकार के पॉलीफेनॉल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें कई गुणों के साथ ही एंटी कैंसर गुण भी मौजूद होता है। शोध में इस बात की पुष्टि की गई है कि चेरी के अर्क में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन नामक फ्लेवोनॉइड में एंटी कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है। ये प्रभाव कई प्रकार के कैंसर जैसे कॉलन, स्तन और लीवर के कैंसर की कोशिकाओं के विस्तार को रोककर कैंसर को बढ़ने से रोकने में कुछ हद तक मददगार साबित हो सकता है। ध्यान रहे कि चेरी किसी भी तरीके से कैंसर का उपचार नहीं है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उसका जल्द से जल्द डॉक्टरी उपचार करवाना आवश्यक है।
एंटी इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करने में मदद करता है। सूजन की समस्या को कम करने में चेरी फायदेमंद मानी गई है। जानवरों और इंसानों पर हुए इस शोध के अनुसार गंभीर सूजन के कारण गठिया की समस्या, हृदय रोग, मधुमेह और कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। वहीं चेरी में मौजूद एंटी इंफ्लेमेटरी गुण के कारण सूजन और उससे जुड़ी इंफ्लेमेटरी समस्याओं से बचाव हो सकता है। अच्छी सेहत के साथ ही चेरी के फायदे हृदय संबंधी समस्या में भी देखे जा सकते हैं। एक शोध के अनुसार चेरी में एंटी इंफ्लेमेटरी होता है, जो सूजन के कारण होने वाली हृदय संबंधी समस्या को कुछ हद तक कम करने में मददगार हो सकता है। इसके साथ ही रिसर्च में चेरी में पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स हृदय रोग में फायदेमंद माने गए हैं। कब्ज पाचन तंत्र से जुड़ी स्थिति है, जिसमें मल त्याग करते समय कठिनाई होती है। कब्ज की इस समस्या में चेरी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है। फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाकर कब्ज की समस्या में फायदेमंद माना जाता है। चेरी में फाइबर पाया जाता है, जिसकी मदद से कब्ज की समस्या में राहत प्राप्त हो सकती है। उम्र बढ़ने के साथ ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिनमें मस्तिष्क संबंधी समस्याएं भी शामिल हैं, जैसे कि याददाश्त का कमजोर हो जाना, सोचने समझने और सीखने में दिक्कत होना आदि। वहीं मस्तिष्क संबंधी समस्याओं को कम करने में भी चेरी के फायदे देखे जा सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार टार्ट चेरी का दैनिक के सेवन से सीखने की क्षमता और याददाश्त में सुधार हो सकता है। इसके अलावा शोध में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि टार्ट चेरी का सेवन न्यूरोडी जेनरेटिव डिसीज के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है। न्यूरोडी जेनरेटिव डिसीज में अल्जाइमर और पार्किंसन जैसी बीमारियां शामिल हैं। सेहत के साथ ही चेरी का सेवन त्वचा संबंधी समस्याओं में भी फायदेमंद साबित हो सकता है। इस विषय पर हुई एक रिसर्च के अनुसार चेरी में पॉलीफेनॉल्स होते हैं। पॉलीफेनॉल्स त्वचा को हाइड्रेट, कोमल व मुलायम बनाने के साथ साथ त्वचा को स्वस्थ रखने में मददगार हो सकते हैं। इसके अलावा ये त्वचा की जलन को कम करने और सूर्य की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाने में भी काफी लाभकारी हो सकते हैं। बालों की झड़ने की समस्या हो या फिर बालों के ग्रोथ की समस्या, दोनों में ही चेरी फायदेमंद मानी गई है। दरअसल एक रिसर्च में पाया गया है कि जंगली चेरी के छाल में कुछ ऐसे औषधीय गुण होते हैं जो बालों को चिकना और रेशमी बनाने के साथ साथ बालों को मजबूत बनाने में भी मदद कर सकते हैं। चेरी का उपयोग करने के लिए उसका सही चुनाव और सही स्टोरेज जरूरी है, ताकि चेरी को लंबे समय तक उपयोग में लाया जा सके। ऐसी चेरी खरीदें जो थोड़ी सख्त हो और जिनकी सतह चमकदार हो। कट लगी हुई या खरोच लगी हुई चेरी का चुनाव ना करें। गहरे रंग की चेरी का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि गहरे रंग की चेरी पकी हुई होती है। चेरी अगर कमरे के तापमान में रखा गया है तो उन्हें 2 दिनों के भीतर ही खा लेना चाहिए। चेरी को प्लास्टिक की थैली में रखकर फ्रिज में लगभग 1 हफ्ते तक स्टोर किया जा सकता है। बिना धुली चेरी को हमेशा फ्रिज में स्टोर करें, लेकिन ध्यान रहे कि चेरी को खाने से पहले पानी से जरूर धोएं। चेरी में पाए जाने वाले गुण इसे सेहत के लिए फायदेमंद बनाते हैं, लेकिन कुछ मामलों में चेरी के नुकसान भी देखे गए हैं, जो कि इस प्रकार हैं। फ्रुक्टोज के अधिक सेवन की वजह से कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो सकती है। चेरी में फ्रुक्टोज मौजूद होता है। अगर शरीर इसे ठीक से नहीं पचा पाता है तो इससे पेट में दर्द, गैस, सूजन की समस्या, दस्त और आंतों में जलन की समस्या हो सकती है। फ्रुक्टोज के कारण चेरी का अधिक सेवन मेटाबॉलिक सिंड्रोम के साथ ही मोटापे की समस्या का कारण बन सकता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम उन जोखिम कारकों को कहा जाता है जो हृदय रोग और मधुमेह के साथ ही अन्य शारीरिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि फ्रुक्टोज का अधिक मात्रा में सेवन रक्तचाप की समस्या का कारण बन सकता है। चेरी अपने बेहतरीन स्वाद के लिए खाया जाने वाला फल तो है ही,
साथ ही अगर इसको संतुलित मात्रा और नियम अनुसार खाया जाए तो आपको इससे स्वास्थ्यवर्धक फायदे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन चेरी का अधिक मात्रा में सेवन करना हानिकारक साबित हो सकता है, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि चेरी के औषधीय गुणों को प्राप्त करने के लिए इसका सेवन चिकित्सक की सलाह लेकर ही करें।